तुम कहाँ से बोल रहे हो? हम बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं। फोन लगाया तुमको तो फोन पकड़ो। क्या नाम है? राधे श्याम कुमार। बजाज फाइनेंस जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ लोन तो लेना चाहता हूँ। 5 लाख का लोन चाहिए मुझे, कैसे होगा? सर हो जाएगा, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेल्फी फोटो, बैंक का पासबुक का फोटो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए? किस नंबर पे व्हाट्सएप? सेम नंबर पे सर। सेम नंबर पे जी सर। हाँ आपको व्हाट्सएप मिला मेरा? जी सर, आपका वेरिफिकेशन हो गया, इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा जो कि अभी पेमेंट कराना होगा आपको। ये पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे? जी सर। पेमेंट तो हो गया है, हमारा लोन का क्या हुआ? सर लोन अभी आपका फिर कन्फर्म नहीं होगा, इसमें दूसरा चार्ज आ गया। अरे यार कितना चार्ज लोगे तुम? तो जमा किया है मैंने 2180 रुपए। जी सर, तो वो जमा किया वो प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया है, आप भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा। 2180 का क्या होगा? वो फिर नहीं मिलेगा सर। कितना जमा करना है? 3500। हेलो, 3500 जमा कर दिया भाई, मैं लोन का क्या हुआ? सर फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया। अरे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तुम्हारा यार। जी सर, अभी तो 2800 जमा किया, फिर 3500 जमा किया। जी सर, तो अभी फिर प्रॉब्लम है सर, इसमें आप फिर 5000 जमा करेंगे तब होगा। अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा, कितना वसूलोगे तुम मेरे से? नहीं सर, आपको कराना अनिवार्य होगा, आप कराएंगे तब भी होगा आपका। पकड़ो भाई। हेलो। हाँ हेलो। अरे मेरा अमेजोन का आना था भाई, आया नहीं वो कुरियर। सर आपका ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर आईडी बताइए, चेक कर ले रहा हूँ। टैगिंग आईडी मेरा, ऑर्डर नंबर है 423484 और टैगिंग नंबर है 456934। जी सर मैं चेक कर ले रहा हूँ, लाइन पे रहिए। सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, कोई टेक्निकल इशू वजह से आपका एड्रेस जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं बता रहा है, इसलिए वो पार्सल अभी होल्ड पे रखा हुआ है सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है मेरा, कैसे करते हो आप लोग? जी सर मिल जाएगा, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लीजिए, आधे से 1 घंटे में मिल जाएगा। तो कैसे होगा वो? सर मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सर, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा एक बार। प्ले स्टोर में सर डाउनलोड कीजिएगा एनी डेस्क। एनी डेस्क डाउनलोड होने के बाद देखिए सर वहाँ पे योर एड्रेस करके कोई नंबर आ रहा होगा, नंबर बताइएगा। नंबर आ रहा है आपका 428591। जी सर, नंबर आने के बाद देखिए वहाँ पे एक्सेप्ट आएगा सिक्योरिटी वार्निंग करके। हाँ एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट नाउ कीजिएगा। स्टार्ट नाउ होने के बाद सर स्टार्ट नाउ कर दिए। जी उसके बाद देखिए मोबाइल पे कोई मैसेज मिला होगा, गूगल फॉर्म का लिंक। हाँ उसमें देखिए नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह मांग रहा है। नाम भर लीजिए सर। नाम भर दिया, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर। हाँ अमाउंट में सर 5 रुपए डालिएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन चार्ज कटेगा। तो ये 5 रुपए कहाँ से डालूं? सर वहाँ पे ऑप्शन होगा, 5 रुपए डालने के बाद नीचे ऑप्शन होगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का। जी उसके बाद डालनी है सर। हाँ जी उसके बाद सर यहाँ से हम लोग सबमिट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से भेजते हैं ओटीपी। ओटीपी अगर पैसा रहता है तो मारा जाता है, नहीं रहता है तो नहीं मारा जाता है। बहुत कार्ड है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद रहता है वो भी नहीं मारा जाता है। और उसके क्या नाम है? नकुल कुमार मंडल। अरे भाई चेहरा तो दिखाओ सबको। नकुल कुमार मंडल। नकुल कुमार मंडल। आपका? अर्जुन मंडल। अर्जुन मंडल, कब से कर रहे हो ये ठगी का काम? 2018 से, 4 साल से निरंतर। कितनी पढ़ाई की हो? सर मैं 4-5 पढ़ा। तो 5वीं पास जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को चूना लगा रहा है, यही साइबर ठगी है। आप भाई? 7th। कितने पढ़े लिखे वालों को बेवकूफ बनाए हो? कॉल आता है पता नहीं, पता नहीं नॉमिनस है, जो मिल जाए उसको चूना लगा देते हो। एक दिन में कितने लोगों कॉल? आप कौन था? आप काम कैसे करते हो जरा बताओ जनता को जरा। सर कुरियर सर्विस में। हाँ कुरियर सर्विस का कॉल आता है। कुरियर सर्विस का कॉल आता है तो हम लोग फोन करता है कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग बोलते हैं आपका ट्रैकिंग नंबर बताइए, मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो ट्रैकिंग नंबर लेने के बाद बोलते हैं सर आपका पार्सल होल्ड पे है, अभी आपको दोबारा ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करना होगा, फिर आपका पार्सल आधे से 1 घंटे में मिल जाएगा। ऑनलाइन एड्रेस दोबारा अपडेट करना पड़ेगा तब आपको मिल जाएगा, गुड। फिर क्या करते हो? फिर बोलते हैं ठीक है बताओ कैसे करना है। तो उसको एनी डेस्क कराते हैं, एनी डेस्क ऐप ये लोग डाउनलोड कराते हैं। बहुत जरूरी है जनता के लिए कि जो नॉर्मल आदमी को कोई भी आदमी एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले, एनी डेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करे।
एनी डेस्क ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, जिसमें आप एनी डेस्क ऐप को डाउनलोड करोगे, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं रहेगा, इसको रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। सब रिमोट आपने देखा है ना, रिमोट में दूर से बैठे हुए टीवी को कंट्रोल करते हैं, सेम उसी तरह यदि आपने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपके एनी डेस्क मतलब कोई भी आदमी कहीं बैठ के आपके फोन को कंट्रोल कर सकता है, आपके फोटोज देख सकता है, आपका गैलरी देख सकता है, आपके ओटीपी पढ़ सकता है। मतलब मान लीजिए कि फोन का कंट्रोल उसके